अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू अनदर डे अनदर व्लॉग। कैसे हो सारे? अच्छा जी, वेलकम बैक। और सबसे पहले भाई सब्सक्राइब माई चैनल, ठीक है, क्योंकि तुम लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे यार। अभी मुझे ऐसा काम है कि मैं जा रहा हूँ, यहाँ पर खानका डोगरा के अंदर ही एक ऑफिस है, मैं आपको दिखाता हूँ। अभी मुझे अम्मी का पासपोर्ट रीन्यू करवाना है, मैं अपना करवा चुका हूँ, अम्मी का करवाना था तो वो करवाना है। तो अपने खानका के अंदर भी सर्विसेज अवेलेबल हैं, तो ऑफिस चलते हैं, आपको दिखाता हूँ। वैसे ये खानका डोगरा शहर से गुजर के ये आता है रेस्क्यू ऑफिस, रेस्क्यू ऑफिस से आगे सरगोधा रोड के ऊपर वहाँ पर ऑफिस है, ठीक है। तो चलता हूँ वहाँ पर, आपको भी दिखाते हैं। भैया आप मुझे बताएं कि आप क्या क्या सर्विस यहाँ पर दे रहे हैं? जी, हम खानका डोगरा में जो है वो सर्विसेज दे रहे हैं, आईडी कार्ड रीन्यूअल की सर्विसेज दे रहे हैं, एफआरसी फॉर्म वगैरह हम बना रहे हैं, पाकिस्तान पोस्ट की डिजिटल फ्रेंचाइज हमारे पास है, जो पाकिस्तान का अदारा है, इसके रेट काफ़ी मुनासिब हैं, और डिजिटल होने की वजह से इसकी ट्रैकिंग वगैरह भी जो है वो अब ऑनलाइन है, और इसमें जो है ऑल ओवर दी पाकिस्तान, बल्कि आप दूसरे मुल्कों में भी जो है अभी डाक इंतहाई मुनासिब रेट्स पर जो है वो भेज सकते हैं। और इसके अलावा पंजाब असास राशन रियायत प्रोग्राम जो है उसकी भी यहाँ पे हमारे पास एफिलेशन है। जो भी गरीब लोग हैं जिनकी महाना आमदनी 50,000 से कम है, वो यहाँ पे हमारे पास आके मुफ्त रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। गवर्नमेंट जो है वो हर महीने उनको उनके घर के राशन की खरीदारी पर जो है वो 40% रियायत दे रही है। इसके अलावा और भी हमारे पास, हमने इसका नाम रखा हुआ है डिजिटल फ्रेंचाइज। ऑनलाइन कोई भी सर्विस हो, यूनिवर्सिटीज़ के दाखिले हैं, मतलब हमारा एरिया ऐसा है कि जदीद दौर के मुताबिक हमें ज़रूरत तो है इन चीज़ों की, लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई ऐसा जो है ना सिस्टम नहीं था, तो तकरीबन ऑनलाइन सारे काम ही जो है वो हमारे पास हो जाते हैं। अपना एड्रेस भी बता दें साथ साथ। जी, हमारा एड्रेस जो है वो नई सब्ज़ी मंडी, जो अल मशहूर मल्ला है, जहाँ पे सिरकियाँ बनती हैं कानों की, वहाँ पे सिटी सरगोधा रोड पे सिटी ब्लॉक के पास थोड़ा अगली साइड पे हमारे ऑफिस की जो है वो लोकेशन है। ठीक हो गया, ठीक है अजमेर भाई, बहुत शुक्रिया, मेरा काम भी हो गया बस। ओके, चलते हैं यार, वापस निकलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अपना काम हो गया। अपना काम इतना सा था कि यहाँ पर मैंने ऑनलाइन फ़ीस जमा करवा दी है, ठीक है, बाकी मुझे शेखुपुरा जाना पड़ेगा। बाकी यार गवर्नमेंट को चाहिए इसको भी ऑनलाइन कर दें, अगर मॉडिफिकेशन है वो बंदा जा कर करवा लेता है, ठीक है, पर आपने रीन्यू करवाना है उसको तो ऑनलाइन कर दें। आईडी कार्ड रीन्यू हो जाते हैं अब, पर पासपोर्ट नहीं हो रहे, तो अभी चलते हैं घर को, तो वहाँ पर जाके आपसे मिलता हूँ। यार घर पे आया हूँ, आके मैंने असर की नमाज़ पढ़ी। असर की नमाज़ पढ़ने के बाद सीन क्या हुआ है मुझे नहीं था पता, कल ना मेरी मिस हो गई थी, अल्लाह माफ़ करे मुझे, तो कल ना वक्त चेंज हो गया, टाइम चेंज हो गया जमात का। मैं 4:30 मस्जिद में पहुँचा हूँ, आगे खाली महकल है, जमात हो गई। फिर फजान भाई को मैंने फ़ोन किया, उसने कहा कि नहीं टाइम चेंज हो गया हुआ है। मैं कहा अच्छा अच्छा, फिर जी अच्छा नमाज़ पढ़ के अभी निकले हैं, वॉक पर जा रहे हैं। दूसरा मैं आपको ये बताने लगा था, जो कि ये ऑफिस बना हुआ है ना, ये मेरे भाई अजीज़ ही हैं, ठीक है, अजमल भाई, तो इन्होंने ऐसे किया हुआ है कि जितने भी ये नादरा के काम है ना, शनाख्ती कार्ड हो गया, ये सारा कुछ उनसा हो गया, वो ऑनलाइन सारा कुछ कर दिया हुआ है, ठीक है। तो किसी को भी काम हुआ ना खानका डोगरा के अंदर, यह सहूलत ही है, नहीं तो जाना पड़ता था यहाँ पर साथ वाले गांव में जाना पड़ता है, जो भी सीन है जहाँ पर नादरा ऑफिस हैं, ठीक है। बाकी वॉक पर निकलते हैं, दानी को भी पकड़ते हैं, फिर आपसे मिलता हूँ। अगर किसी को रब्ता करना है उनसे, तो मैं उनका ना एक तो लिंक भी उनके पेज का दे देता हूँ डिस्क्रिप्शन के अंदर, और उनका नंबर भी दे देता हूँ, ठीक है, तो उनसे रब्ता कर लीजिएगा। कोशिश करेंगे कि जो आपका काम होगा वो जल्द से जल्द मुकम्मल हो जाएगा। तुसी रक्षे ले लंघ लो, तुसी रोड़ा पा लेंगे नेक दे पीछे और ये सब तुसी नहीं समझांदे नहीं आवाम दी सड़क जो मसी कर तू भी बड़ा फतवे लाने वाला है। चलो बस, मेरा दानी बाहर वेट कर रहा है, वो खड़ा हुआ है। ओ अस्सलाम वालेकुम भाई, भाई दो चार दिन हो गए मुझे कॉल कर रहा है, मैं उसको मुंह नहीं लगा रहा, महज आपको मुंह नहीं लगा रहा है कि आपके व्लॉग में नहीं आ रहा अभी भी, ये देखो मेरे घर आए ये। हाँ हाँ, हम तो सीधा जा रहे हैं भाई वॉक करने के लिए, पॉइंट तो मिल गया। हाँ हम सीधा जा रहे हैं वॉक करने के लिए, तेरे साथ नहीं है सीधा नहीं जा रहे, वो हम आ नहीं है अभी, हम आ रहे हैं कासम बाजवा और चलो उनको पकड़ते हैं, पकड़ते हैं। लो जी रास्ते में हमें हमाद अब्दुल्ला और एक ये बाजवा हेयर सलून मिल गया था, उसके बाद आपसे मिलता हूँ। वाह जी वाह, बैठ के मार दे जाना है तोड़ घर तक।
हाँ जी तो चलो दानियाल तुर जा चल 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 हले हले पांच हुई ने सिर्फ चल चल ना ना मेरा बेटा चल चल अगो जंप भी मारना इंज नहीं जंप ए नहीं 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 जंप नहीं जंप 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 इंज चल आ चल 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 ओए तू क्लॉक जंप मार बस सदा की इने तो क्लॉक जंप मार आपे तू गया मैं बैठ का मारना बैठ का मारना है नहीं बस कर मेरा थी सुबह फिर के ना मैं स्कूल The next day. Good morning. आ गया हूँ शेखपुरा पासपोर्ट ऑफिस अम्मा को साथ ले आया हूँ रश माशाल्लाह अच्छा खासा है वहाँ पर तो इधर काम निपटा के इंशाल्लाह आप लोगों से मिलता हूँ तो यहाँ पर काफ़ी देर लग जाए मुझे लग रहा है यार शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो आगे बैठ गया हूँ घर में गाड़ी में घर में कह रहा था गाड़ी में बैठ गया हूँ वो इसलिए क्योंकि अम्मी को मैं अंदर छोड़ आया हूँ अंदर थोड़ी सी क्यू है लाइन बनी हुई है पर इतने ज़्यादा रश नहीं है औरतों का और दूसरी बात आसानी ये हुई है कि मुझे एक अंकल मिल गए मेरे ठीक है बड़े अजीज़ अंकल थे वो अचानक सी नज़र पड़ी है उनकी और वो ही आके मिले हैं उनका थोड़ा बहुत यहाँ पर सलाम दुआ है तो वो फिर खुद ही अंदर ले गए हैं अम्मा को भी और अल्लाह ख्याल रखे मुझे उन्होंने कहा कि आप गाड़ी में बैठो कोई मसला नहीं आपको आपका कोई काम है नहीं है तो बाकी काम इंशाल्लाह ख़त्म करवा के तो आ जाते हैं उतनी देर मैं वेट कर रहा हूँ गाड़ी में तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह जल्द से जल्द काम ख़त्म होगा तो आ जाएंगे बाकी पासपोर्ट के लिए जैसे कि रिक्वायरमेंट्स जो सी हैं मैं जैसे रीन्यू करवा रहा हूँ अम्मा का तो डाटा वगैरह सारा कुछ पहले ही होता है रीन्यू के ये एक एक्सपायर्ड हुआ हुआ है तो बस उसको हमने नया बनवाना है गवर्नमेंट को वैसे चाहिए कि यार ऑनलाइन कर दें क्योंकि रीन्यूअल के लिए तो कोई इतना ख़ास ज़रूरत तो नहीं है आपने बस नया पासपोर्ट लेना है ठीक है वो ऑनलाइन कर देना चाहिए अभी ये है कि अभी इनकी जाके फ़ोटोग्राफ खींची जाएगी और फिर उसके बाद इनको टोकन नंबर मिल जाएगा टोकन नंबर मिलने के बाद फिर जब इनकी बारी आएगी ये आगे जाएंगे ऑफिसर्स जो उनसे बैठे होते हैं उनके पास वहाँ पर डेटा एंट्री देखेंगे सारी कि हालांकि डेटा कोई चेंज मॉडिफिकेशन वगैरह तो नहीं है मॉडिफिकेशन नहीं है तो फिर तो वैसे ही वो प्रोसीड कर देंगे फिर आगे मेरे ख्याल शायद इंटरव्यू हो ना हो तो वो कोई पता नहीं होता तो उसके बाद इंशाल्लाह आपको मिल जाएगा एक और स्लिप मिल जाएगी जो पासपोर्ट की स्लिप होगी वो आप मैंने जैसे कि फ़ास्ट ट्रैक के लिए अप्लाई किया हुआ फ़ास्ट ट्रैक जो उनसे पहले था कि दो दिन के अंदर आपको पासपोर्ट मिल जाता है 48 आवर्स के अंदर पर आजकल रश इतना है कि चार दिन का उन्होंने टाइम मांगा हुआ है कि चार दिन के अंदर फ़ास्ट ट्रैक का मिल जाएगा उसकी फ़ीस ज़्यादा है अर्जेंट जो उनसे वो आपको आजकल मिल रहा है 15 दिन के अंदर और जो नॉर्मल है वो 25 to 30 days के अंदर मिल रहा है ठीक है तो इस तरह सीन है अम्मा आ गई हैं ठीक है काम भी माशाल्लाह हो गया हमारा माशाल्लाह काम बहुत जल्दी हो गया अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बस अल्लाह ने रास्ते बनाने होते हैं भाई तो हो गए अभी जा रहा हूँ मैं रूहान की तरफ तो जाके आपसे उधर मिलता हूँ तो सीन कुछ ऐसे है कि रूहान तो गया हुआ है स्कूल ठीक है तो मैं उसके यहाँ पर पीसी भी बैठ के ज़रा गेम खेल रहा हूँ ठीक है ये देखें सी एस को लगा ली है फेवरेट उसका माशाल्लाह पीसी भी अच्छा है बनवाया था उसने नया तो अभी गेम खेलते हैं उसके बाद जो है मैंने निकलना है अभी कहीं तो आपको साथ लेके जाता हूँ अच्छा यार अभी सीन ऐसे है कि नाश्ता करने जा रहे हैं क्योंकि सुबह का निकला हूँ आपको लोगों को पता ही है तो भूख लगी हुई थी अंजा को मैंने उठा लिया जी जी लितर मार के उठाया मैंने इसको भाई लाइसेंस बन गया हाँ लाइसेंस बन गया अब तो खुशियाँ ही और हैं गाड़ी चलाने की अब तो फील आती है कि भाई लीगली चला रहे हैं कुछ ना अब तो फील आती है अपने बाप की रोड है जी तो अभी आ रहे हैं यार नाश्ता करने तो हमारा प्रोग्राम है अमीन खोए वाले चने जो उनसे है ना वो खाए जाएं तो ऐसे ही है या कोई और प्रोग्राम है प्रोग्राम है भाई आप जो नहीं बोल रहे ना फिर है ना कहीं मैं नहीं पूड़ियां वाले भी ने चने वाले भी पूड़ी नहीं यार पूड़ी मुझे ना हैवी हो जाती है दैट्स व्हाई नहीं खा रहा तो शौकत नाल चने खाते नहीं और एक बार कौन से शौकत वो कहां पे जी नाश्ता शास्ता हो गया अल्हम्दुलिल्लाह रज गए मजा भी आ गया चल सही कि नहीं अपनी लाडो रानी खलोती है मैं रोहान वाली गड्डी पे गया हुआ था रोहान की गड्डी नहीं है इजाजत मेरे ब्लॉग पसंद आते हैं तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करके जरूर बताएं अगर मेरे ब्लॉग कैसे लगते हैं मुझे दें इजाजत अल्लाह हाफिज़।
सो प्लीज सपा करा सारा कवर सपरा कर रहा है सारा सपा करा सारा कवर सपरा कर रहा है सपा करा सारा कवर सपा करा सारा कवर सपा 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 प्लीज सब्सक्राइब ओके थैंक यू.